5 जनवरी से शुरू करेंगे सर, तो शुरू करेंगे हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आज कल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक ही प्रोग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं, जहां उनकी यात्रा आगामी 5 जनवरी 2023 से पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण पर है। जेडीयू ऑफिस में भी लगातार पोस्टर्स और बैनर्स बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये यात्रा बेहद खास और कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो एक बार फिर से बिहार घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, बिहार में स्थापित शराबबंदी कानून और बिहार की शराब नीति पर चर्चा करेंगे, लोगों से अपील की जाएगी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यात्रा आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगी, जहां अभी हालिया स्थिति बिहार की क्या है, एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, महागठबंधन की सरकार को लेकर लोगों का क्या सोचना है, उनकी क्या राय है, इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे। आज जब नीतीश कुमार से बिहार यात्रा पर मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं बिहार यात्रा को लेकर, क्या कुछ होने वाला है मुख्यमंत्री की इस 14वीं यात्रा में, क्या कुछ खास होगा, वो क्या अगला कदम उठाएंगे बिहार की राजनीति के तरफ, उनकी अगली रणनीति क्या होगी इस यात्रा के माध्यम से, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। घूमेंगे हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे सर, तो शुरू करेंगे हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आज कल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक ही प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है, हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहां काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे सब, कई तरह से हमने सुझाव दे दिया, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाएगा वो पूरा फाइनल हो जाएगा आज कल में।